नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओनर 9 लाइट जो है वो ओटीजी सपोर्ट करता है या नहीं करता है, और हम डिफरेंट तरह के कार्ड्स जो है वो टेस्ट कर देखेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से काम करता है, क्योंकि हमने एक टेस्ट किया था लिनोवो K8 प्लस पर, वहाँ पर ओटीजी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था और डायरेक्टली फाइल मैनेजर से फाइल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी, इम्पोर्ट नहीं हो रही थी। वहाँ हमें सेटिंग्स में जाकर जो है उसे इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था, लेकिन देखते हैं ओनर 9 लाइट किस तरह से हैंडल करता है ओटीजी डिवाइसेस को। तो सबसे पहले चलिए हम फाइल्स में चले जाते हैं, जो इसका प्री इंस्टॉल्ड आता है फाइल मैनेजर, और यहाँ पर हम अगर लोकल में जाते हैं तो यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज आ जाता है, उसके बाद नेटवर्क नेबरहुड है। तो यहाँ पर हम ये सबसे पहले ट्राई करते हैं सैंडिस्क का ये पेन ड्राइव है, ओटीजी पेन ड्राइव। यहाँ पर तो 16 GB का ये पेन ड्राइव है, तो यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करते ही इसने इसको रीड कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 15.53 GB अवेलेबल, 2.59 GB। तो इसको हम कर लेते हैं ओपन यहाँ से, और यहाँ से कुछ फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ से हम इसे कर लेते हैं कॉपी, और इंटरनल स्टोरेज में हम इसको मूव कर देते हैं यहाँ पर। तो विद इन अ सेकेंड जो है ट्रांसफ़र हो गया है, तो कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं दिखाई दी है हमें, ना ही यह है कि कुछ स्लो है ट्रांसफरिंग। तो उसके बाद हम इसे कर लेते हैं डिस्कनेक्ट। चलिए अगला टेस्ट हम कर लेते हैं। ये एक SD कार्ड है और ये नॉर्मली जो है DSLR में यूज़ होता है। चलिए देखते हैं कि ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है। इस तरह का कार्ड अगर आप यूज़ करना चाहें अपने DSLR का, तो वहाँ पर ये सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि आप देखते हैं, हमने यहाँ पर लोकल स्टोरेज खोली हुई है, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव नहीं है कनेक्ट, और जैसे ही हम इसे कनेक्ट करते हैं यहाँ पर एक लाइट आ जाती है, तो ये देखिए, और यहाँ पर ये देखिए USB ड्राइव का ऑप्शन आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी सपोर्ट करता है USB को, यानी कि OTG का जो भी डिवाइसेस हैं अलग अलग, चाहे वो मेमोरी कार्ड है, चाहे पेन ड्राइव है, या SD कार्ड है, सभी तरह के कार्ड जो है वो ये फ़ोन सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर एक फाइल भी ट्रांसफ़र कर देख लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि ये फाइल है, यहाँ पर 401 MB की फाइल है, ये देखते हैं ये किस स्पीड पर जो है इसे ट्रांसफ़र करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो डाटा ट्रांसफ़र है, डाटा ट्रांसफ़र भी काफ़ी अच्छा है। जैसा कि मैं देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस Xiaomi Mi A1 में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो काफ़ी स्लो हो रहा था, कोई ना कोई बग हो सकता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू फिक्स हो जाए, लेकिन इसके अंदर मुझे कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। तो डाटा ट्रांसफ़र हो चुका है, इसका मतलब ये भी सपोर्ट करता है। अब ये भी एक सैंडिस्क का ही है, लेकिन ये एक नॉर्मल पेन ड्राइव है, और इसे कनेक्ट करने के लिए हमें एक OTG अडेप्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मार्केट से 10 या 20 रुपए का अवेलेबल हो जाता है। तो देखते हैं ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है यहाँ पर। तो इसे हमने कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे भी रीड कर लिया है यहाँ पर, तो टोटल 8.06 एंड अवेलेबल मेमोरीज 65.72 MB। तो यहाँ पर एक फाइल को ट्रांसफ़र कर देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ हम इसे कॉपी कर देते हैं, तो देखते हैं कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 112 MB की फाइल थी, और विद इन 2 या 3 सेकेंड्स जो है ये फाइल ट्रांसफ़र हो गई है। तो यानी कि स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी है ट्रांसफरिंग की, यानी कि जो OTG की कनेक्टिविटी है ओनर 9 लाइट के अंदर, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो OTG वर्किंग है वो बिल्कुल प्रॉपर हो रही है, जैसा कि मुझे काफ़ी आप लोगों के मेल्स भी आए थे कि इसका एक OTG टेस्ट कीजिए। तो OTG टेस्ट जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और आने वाला है ओनर 9 लाइट का एक इन डेप्थ फुल रिव्यू, आने वाला वीडियो हमारा कल का यही है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।